मथुरा के थाना गोविंद नगर के अंतर्गत चौक बाजार में एक लेडी लस्सी पीने के लिए आई थी व उसने अपनी स्कूटी बराबर में खड़ी कर दी। उसी दौरान एक स्कूल बस बच्चों को लेकर आ रही थी। ट्रैफिक होने के कारण उसकी स्कूटी में बस द्वारा टच हो जाती है। इसी से नाराज लेडी सिंगम ने ड्राइवर को बस में चढ़कर पीटना शुरू कर दिया और बस की चाबी निकाल ली। कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा करती रही। जब एक व्यापारी ने उसे समझाने की कोशिश की तो वह गाली गलौज कर उतर आई और व्यापारी के ऊपर सामान फेंक कर मारने लगी। देखने वाली बात है, पुलिस की नाक के नीचे लेडी सिंगम तांडव करती रही और पुलिस फिर भी मौन बैठी रही। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं लेडी सिंगम का हाई वोल्टेज ड्रामा। मद्रास से संवाददाता उमेश भदौरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश अग्रवाल है। चौक बाजार में हूँ, रहता हूँ। दुकान है मेरी इधर। शाम को दोपहर के समय में करीब 1 बजे करीब स्कूल की बसेस वगैरह आती हैं तो ट्रैफिक हो ही जाता है। यहाँ पर एक वो लड़की जिसने आज दंगा किया है यहाँ पर लस्सी पीने के लिए अपने लड़के के साथ खड़ी होगी आड़ी स्कूटी लगाकर, तो बस वाला आया होगा, बड़ी मस्ती बच्चे की, तो उससे वो स्कूटी में टच हो गई थोड़े, मतलब स्कूटी उसको गाड़ी गिर गई, सबरे काम हो गए। वो लड़की फाटक नहीं खुला था, खिड़की के द्वारा बस में चढ़ी है और ड्राइवर को बहुत पीटा है उसने। मजा मारा है? हाँ, बहुत पीटा है। जब हमको नहीं रहा, ट्रैफिक जाम हो गया था यहाँ पर, जब हम पर नहीं रहा गया तो हमने उसको कहा कि मैं भाई मैं तुम्हारी स्कूटी को सीधा कर देता हूँ, सीधी कर दी है मैं, तुमने उसको बहुत मार लिया, ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसको जाने दो। इतना कहते ही तो वो आग बबूला हो गई, माँ की बहन की सब तरीके की वो गाली देने लगी कि तू कौन है, इसका बाप है कि तू कौन है, जो कोई भी बोला उसको ही गाली देनी उसने चालू कर दी। और यहाँ पर आके बदतमीजी से जब मैं आया तो यहाँ पर चढ़ गई और वहाँ से उससे लेके वोट मारी है दो यहाँ पर, और वहाँ पर हमारे से हमारा साथी है महेश, उनके लस्सी के कुल्लड़ मारे हैं। सामान भी फेंका है? हाँ, सामान भी फेंका है। चौक बाजार जबकि व्यस्त हो रहा है। हाँ जी। पुलिस की नाक के नीचे जी इतना बड़ा कांड हो गया। हाँ। हाई वोल्टेज ड्रामा जी महिला दिखाती है। हाँ जी, हाँ जी। पुलिस कौन बन के रही? केवल यहाँ पे दो होमगार्ड मौजूद थे जिस समय ये हुआ था, तो होमगार्ड वालों ने फिर उस दीवान को वृंदावन गेट चौकी को बुलाया। जब वो आया उसके कब्जे उसके हाथ में भी नहीं है गाली गोला, थ्रू आउट सबों को दिया। महिला पुलिस को बुलाया गया क्या? महिला पुलिस जब तक नहीं आई जब तक वो मतलब ये है कि वृंदावन गेट चौकी पे ले गए उनको, तो वहाँ पर वो उसने क्या नाटक किया कि मेरे उल्टी हो रही है, वो हो रही है, बदतमीजी वहाँ पर भी करने लगी हुई थी। बताया आपने FIR वगैरह की? नहीं, FIR नहीं, तहरीर दी अभी।